गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पीनट क्लम वायरस डिजीज़। उससे पहले डिस्कस किया था हमने लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, और उससे पहले हमने किया था डिस्कस जो कॉटन विल्ट डिजीज़ थी। तो टोटल हमने फाइव डिजीज़ जो बेसिकली खरीफ की क्रॉप्स पर होती है वो हमने डिस्कस कर ली। आज जो हमारी डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। तो मोस्टली इस डिजीज़ को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म डिजीज़ भी कहते हैं। रीज़न, क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है लीफ। लीफ होता है, उसके बाद में इसकी ब्रांच होती है, और इसका जो बॉल होता है जिसके अपन को इससे प्रोडक्ट या इससे लिंट या कॉटन फाइबर्स जनरेट होते हैं, तो वो इससे इफेक्टेड होता है। तो जब इसकी लीफ इफेक्टेड होती है तो वो इफेक्टेड लीफ धीरे धीरे क्या करती है, ब्रांच को इफेक्ट करती है, और ब्रांच को इफेक्ट होने से उसकी ब्रांच का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और इसी रीज़न से इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक आर्म डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक आर्म डिजीज़ का रीज़न मालूम पड़ा आपको। अब करते हैं इसके सिम्टम्स की बात। तो बेसिकली इस डिजीज़ का जो सिम्टम्स है वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है वो ये है कि ये जो रूट के ऊपर क्या नहीं करती है, इफेक्ट जनरेट नहीं होता इस डिजीज़ इस पैथोजन का। तो रूट के अपोजिट जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं वो सारे इससे इफेक्टेड होते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर इसको फोर स्टेज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, सिडलिंग ब्लाइट स्पेड। सेकेंड है जो इसकी वो है एंगुलर लीफ स्पॉट। थर्ड है इसकी ब्लैक आर्म, एंड लास्ट है बॉल रूट इफेक्ट। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट वो है सिडलिंग ब्लाइट। मैं आपको साथ में डायग्राम भी शो कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप दोनों चीज़ देखिए। तो सिडलिंग ब्लाइट इफेक्ट है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, वाटर सूक्ड स्पॉट डेवलप होते हैं। वाटर सूक्ड स्पॉट कौन से होते हैं, जैसे किसी सरफेस के ऊपर वाटर की ड्रॉप्स क्या होती है, ड्राई हो जाती है, तो उसको स्पॉट बन जाता है वाइट कलर का सा, उस टाइप का सा इसका स्पॉट जनरेट होता है। और ये स्पॉट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्राउन और ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इनके इफेक्ट से जो न्यू लीव्स होती हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट जनरेट होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट होता है ना वो विल्ट जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो प्लांट की लीव्स होती है वो ड्राई हो जाएगी और प्लांट पूरा का पूरा मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेज, वो है एंगुलर लीफ स्पॉट। तो इसमें क्या होता है, जो मैच्योर प्लांट होता है उस मैच्योर प्लांट की लीव्स के ऊपर ये वाटर सोक जो अपने शॉफ देखे थे जो स्टार्टिंग में सीडलिंग ब्लाइंड पे, सेम उसी टाइप के स्पॉट यहाँ जनरेट होते हैं। और ये स्पॉट धीरे धीरे कैसे होते हैं, एंगुलर शेप में कन्वर्ट होते हैं, और धीरे धीरे एंगुलर शेप में कन्वर्ट होने के बाद में जो माइक्रो वेंस होती है, स्मॉल वेंस होती है प्लांट के अंदर, और उनके अंदर भी क्या होता है, इसका इफेक्ट शो ऑफ होता है। और उसके थ्रू आउट क्या होता है, जो स्पॉट है वो पहले ब्राउन हो जाएंगे और बाद में ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसका एंगुलर लीफ स्पॉट था। अब करते हैं नेक्स्ट, वो है ब्लैक आर्म। अब ब्लैक आर्म क्या है वो देखिए आप, कि एक्चुअल में जो लीफ है, जो ब्रांच है, उस लीफ और ब्रांच के ऊपर क्या हो जाएंगे, ग्रिडल मतलब लाइनिंग मार्क कहाँ स्पॉट जनरेट होंगे ब्राउन और ब्लैक कलर के, वो इसके पूरे ब्रांच के ऊपर लीव्स के ऊपर जनरेट होते हैं। और धीरे धीरे इसका जो ब्रांच और लीव है वो कैसे हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है, मेन प्लांट से डाउन हो जाएगी, और साथ में जो स्पॉट हैं वो स्पॉट कैसे होते हैं, एकदम राउंड शेप के स्टीम और लीफ के ऊपर जनरेट हो जाते हैं, जो डायग्राम में आपने देखे हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में आपको। तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये ग्रिडल जनरेट कर देते हैं, और इसकी रीजन से क्या होता है, इसको ब्लैक आर्म, क्योंकि इफेक्ट कहाँ जनरेट होगा, लीव्स के साथ साथ में ब्रांचेस और इसके आर्म पर शो ऑफ होता है, तो इसीलिए इसको ब्लैक आर्म डिजीज़ भी कहते हैं। अब करते हैं जो नेक्स्ट है, वो है बॉल रोट इफेक्ट। देखिए आप, बॉल रोट इफेक्ट। अब इस बॉल रोट इफेक्ट में क्या होता है कि वाटर सोक तो स्पॉट, जो वाटर वाले स्पॉट थे वो तो शो ऑफ होंगे, उसके साथ साथ में क्या होता है कि जो स्पॉट है वो इसके बॉल के ऊपर मिडली इनर पार्ट के ऊपर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो स्पॉट क्या होते हैं, टर्न डाउन टू ब्लैक में कन्वर्ट होते हैं, और वो इम्बेंड हो जाते हैं कहाँ पर, इनसाइड में। और इसके इफेक्ट से क्या होता है, जो लिंट है, लिंट कौन सा होगा, जो सीड के ऊपर जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको लिंट बोलते हैं,
तो वो इससे डैमेज होते हैं, और वो डैमेज होते हैं तो कॉटन की क्वालिटी क्या होती है वो लो हो जाती है, बैठ जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली इफेक्टेड होती है। तो ये था बॉल रोट डिजीज़। तो आपने देखा बॉल रोट डिजीज। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो जो इसका पैथोजन है वो है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर माल्वे सीरम। अब बस बोल रहा हूँ, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर माल्वे सीरम, ये इसका पैथोजन है। और ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम नेगेटिव नेचर का है। ग्राम नेगेटिव क्या होता है, जो ग्राम सॉल्यूशन के इफेक्ट से क्या होता है, कलर जनरेट नहीं करता, तो ये ग्राम नेगेटिव हो गया। और बेसिलाई मीन्स लंबा लैमिनल स्ट्रक्चर में ये बैक्टीरिया होता है। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये सीड और सोयल ये बोथ इफेक्ट से बोथ में सर्वाइव करता है, और साथ में इसके थ्रू आउट क्या होता है, ट्रांसमिशन इजीली होता है। तो सीड भी इससे इफेक्ट होते हैं, अगर इन्फेक्टेड सीड काम में ले लिए तो डिजीज जनरेट हो जाएगी, और अगर सोइल में इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो भी क्या हो जाएगा, ये अपना सिम्टम शो ऑफ कर देता है। तो ये था इसका पैथोजन। अब करते हैं डिस्कस हम इसके मैनेजमेंट पर। तो देखिए मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट हम थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कल्चरल मैनेजमेंट। तो कल्चरल मैनेजमेंट में क्या करना है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग मतलब फसल क्रॉप तैयार हो गई उसको हम कटिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद में क्या होता है, जितने भी इफेक्टेड प्लांट्स हैं या उनके वेस्ट हैं या जो अपना विंड स्पॉट है, इन सब क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। रीज़न, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये इनके ऊपर सर्वाइव करता है, तो अगर ये डिस्ट्रॉय कर दिए तो आगे डिजीज़ के चांसेस नहीं रहते। फिर है क्रॉप साइकिल, हमको यूज़ करना है क्रॉप साइकिल, कौन सी यूज़ करना है, नॉन हॉस्ट। नॉन हॉस्ट कौन सी, जैसे हमने कॉटन यूज़ कर रहे हैं, अब इसकी हॉस्टिंग नेक्स्ट जो सीड है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम पर हमको डिफरेंट जो इसके नॉन हॉस्टेबल स्पीसीज है उसको क्रॉप में करना है। और उसके बाद में क्या करना है, वापस नेक्स्ट जब कॉटन यूज़ करते हैं, कॉटन क्रॉपिंग करते हैं, तो उस पर इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो ये इसका एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में सीड ट्रीटमेंट करें, कितना, 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 10 मिनट तक हॉट वाटर में अगर सीड को ट्रीटमेंट करके, और फिर अगर क्या करते हैं इसकी क्रॉपिंग करते हैं, तो भी क्या होता है, ये बैक्टीरिया का इफेक्ट जनरेट नहीं होता। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब करते हैं इसका केमिकल मैनेजमेंट। तो केमिकल मैनेजमेंट मोस्टली केमिकल बेस्ड है। अब केमिकल बेस्ड है तो इसका इफेक्ट प्लांट के ऊपर, इसका क्रॉप पर और सोइल पर साइड इफेक्ट शो ऑफ होगा, बट एक लिमिट क्वांटिटी के अंदर, और इसके जो डायरेक्शन है उनको ईजी, उनको सीरियसली स्टडी करके उसके बाद में क्या करना है, इसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, तो जो केमिकल मैनेजमेंट में है वो है एसिड डिलेंटिंग, मीन्स सीड पर जो कॉटन लिंट्स होते हैं उनको रिमूव करने का प्रोसीजर। तो कैसे करेंगे, तो सीड को क्या करना है, ट्रीट करना है। किससे करना है ट्रीट, कि जब भी अपन सीड की क्रॉपिंग करेंगे उससे पहले कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना है, 100 ml पर kg सीड के लिए क्या करना है, उसको यूज़ करना है। और कैसे करना है, 2 से 3 मिनट तक क्या करना है, उसको उसके अंदर उसमें उसको डब करना है, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा कि वो लिंट डिस्ट्रो हो जाएंगे। उसके बाद में वाटर से क्या करना है, उसको वॉश करना, और वॉश करके रेगुलर 2-3 टाइम वॉश करके उसके बाद में क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। ट्रीट किससे करना है, उसके बाद में उसके लिए 2 ग्राम केमिकल लेंगे, कौन सा केमिकल, कार्बोक्सिन या ऑक्सी कार्बोक्सिन केमिकल है, वो यूज़ करेंगे 2 ग्राम पर kg सीड के अकॉर्डिंग, उसको लेकर क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये सीड इस बैक्टीरिया से अनइफेक्टेड हो जाएंगे। फिर स्टेप्टोसाइक्लिन 1000 ppm, ppm मीन्स पर पार्ट मिलियम के, इसके सॉल्यूशन के अंदर सीड को 8-10 आवर तक क्या करना है, उसको डंक करना है, उसके बाद में ड्राई करना, उसके बाद में क्या करना है, उसको क्रॉपिंग में यूज़ करना है। तो इससे भी इस डिजीज़ का, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर अगर अपनी क्रॉप कैसी स्टैंडिंग क्रॉप है तो उसमें क्या करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे किसका करना है, स्टेप्टोसाइक्लिन 50 से 100 ppm या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कितना, 0.3% कंसनट्रेशन का, उसको 15 से 20 डेज पर क्या करना है, साइक्लिक उसे करना है, रिपीट करना है, जिससे उसका इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आउट हम इजीली इस बैक्टीरिया को केमिकल के थ्रू आउट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था इसका केमिकल मैनेजमेंट। अब करते हैं इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें हमें
किसी भी कल्चर मीडियम का या फिर जो इसकी क्रॉप्स है रिजिस्टिंग क्रॉप है उनका यूज़ करते हैं। तो जब भी फॉलेज स्प्रेइंग करनी है, कब करनी है कि जैसे लीव्स के ऊपर इन्फेक्शन जनरेट होता है उससे पहले, उससे बिफोर क्या करना है अपन को, स्यूडोमोनास फ्लोरसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरसेंस का स्प्रे करना है, ठीक है। और ये स्प्रे रिपीटेशन है, इसको टाइम टू टाइम रिपीटली करना है। और साथ में जो इसके रिजिस्टेंट क्रॉप है लाइक LDH 11, LDH 694, LHH 144, फिर उसके बाद में है बदनावर 1, फिर है सुजाथा खंडवा 2, तो ये वो क्रॉप्स हैं जो इससे बैक्टीरिया से रिजिस्टेंट हैं। तो इस इन क्रॉप्स के ऊपर क्या नहीं होता, इस बैक्टीरिया का इफेक्ट जनरेट नहीं होता। तो ये थी बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कॉटन जो कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट डिजीज। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। मीन्स आपने देखा होगा लेडी फिंगर में कि जो लीफ होती है उस लीफ में येलो लाइनिंग, येलो वेन शो ऑफ होती है। मैं आपको इसका डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ, पहले उस डायग्राम को देखिए फिर करते हैं डिस्कस अपना आगे। तो डायग्राम आपने देखा, अब करते हैं शुरू। तो ये जो डिजीज़ होती है इसका ड्यूरेशन है, इसकी जो लॉस क्रॉपिंग लॉस रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आज हमने इसकी क्रॉपिंग की है और उसके 35 डेज़ में ही अगर वायरस का इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है तो 94% तक क्या होती है हमको इसमें लॉस होती है। और अगर इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्रॉपिंग के 15 डेज़ में जनरेट होता है तो 84% तक इसका लॉस होता है। तो इसका मीन्स इसकी टाइम टू टाइम जो इसका इन्फेक्शन रेट है वो चेंजेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स पर। तो अब डिस्कस किया कि एक वायरल डिजीज़ है, डायग्राम आपने देखा ही था, तो सिम्टम देखते हैं। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, सबसे पहले जो लीव्स होती है ना वो इन्फेक्टेड होती है, और लीव्स में क्या होती है येलो वेन, जो इसकी वेन्स होती है ना उसमें येलो नेटवर्क जनरेट हो जाता है। मीन्स उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर शो ऑफ होती है, और धीरे धीरे जो इवेंट्स होती है ये कैसी होती है, थिक हो जाएगी। और जैसे जैसे इसका इफेक्ट होल लीफ पर जनरेट होता है तो पूरी की पूरी जो लीफ होती है वो येलो कलर की हो जाती है। और इसके रीजन से क्या होता है कि जो प्लांट का जो क्लोरोफिल पार्ट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मोस्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आउट प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके इफ़ेक्ट से जो इसके फ्रूट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो स्मॉल साइज़ में हो जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ में उनमें येलोनेस जनरेट हो जाएगा, और ये हो जाएंगे कैसे, डिस्टर साइज हो जाएंगे, मतलब डिस्टर मीन्स इनका जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इफेक्ट जनरेट होगा, और जिसका सीधा इफेक्ट किस पर होता, प्रोडक्टिविटी पर।
तो ये इसके सिम्टम है। अब करते हैं डिस्कस इसके पैथोजन की। तो इसका जो पैथोजन है वो है येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ ओकरा, ठीक है। तो ये इसका मेन पैथोजन है। और ये जो वायरस है ये मोस्टली जेमिनी वेरिडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और इसका जो जीनस है वो है बिगमनो वायरस। और इस जीनस के जो वायरस होते हैं उनका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो सिंथेसिस डीएनए होता है, और सिंथेसिस डीएनए की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को बहुत हाई लेवल पर कंप्लीट करता है, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा ये मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम इफेक्ट जनरेट करता है। और इसके अपोजिट ये जो वायरस होता है ये कुछ विंड्स होती है जैसे लाइक इस क्रोटन स्पार्सरी फ्लोरा मालवेस्ट्रम स्पीसीज या एजिरेटम स्पीसीज की जो विंड्स होती है उनके ऊपर क्या करता है ये सर्वाइव करता है। तो इसी ये और ये जो विंड्स हैं ये बेसिकली फार्म के अंदर प्रेजेंट होती है, तो अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दें तो ईजीली इस पैथोजन का करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। फिर करते हैं डिस्कस इसके ट्रांसमिशन की। तो इस वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो वाइट फ्लाई होती है, जिसका बेसिक नाम है बिमिसा टैबिका। ये जो वाइट फ्लाई होती है इसके थ्रू आउट होता है। मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ वाइट फ्लाई का, आप देखिए उसको। तो डायग्राम आपने देखा। अब करते हैं डिस्कस इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल मैनेजमेंट की। तो जब भी इसका अगर इफेक्ट जनरेट हो, शो ऑफ हो, तो इससे इफेक्टेड जितने प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, रगिंग करके उसको ब्रनट या फिर सोयल में डिप्थ कर देना चाहिए, जिसके थ्रू आउट अदर प्लांट में ये स्प्रेड नहीं करेगा। फिर जो अपने फार्म के आसपास जितनी भी वीड्स होती है उन सबको क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर जो इसका प्रोसीजर है SAR मीन्स सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये जो कैपेबिलिटी होती है ये प्लांट में क्या करनी चाहिए, जनरेट करनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, प्लांट्स की इम्यूनिटी क्या होती है, हाई हो जाती है, और इम्यूनिटी हाई होने पर इसका इफेक्ट जनरेट नहीं होता। तो इसके लिए कुछ केमिकल्स हैं लाइक इट सैलिसिलिक एसिड या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, इनको डिफरेंट डिफरेंट PPM पर यूज़ करके अगर क्रॉप्स के ऊपर स्प्रेड करें तो प्लांट्स में इस डिजीज़ के लिए क्या होती है, इम्यूनिटी हाई हो जाती है, और इम्यूनिटी हाई होने पर क्या हो जाएगा, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था इसका क्रॉप मैनेजमेंट। अब करते हैं डिस्कस इसके केमिकल मैनेजमेंट पर। तो देखिए केमिकल मैनेजमेंट, तो केमिकल मैनेजमेंट के लिए टू टाइप से इसको प्रोसेस को फॉलोअप करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इसका जो वेक्टर है, इसका जो ट्रांसमिशन इसके थ्रू आउट हो रहा था, उस वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है, और सेकंड इस वायरस को क्रॉप के ऊपर से डिस्ट्रॉय करना है। तो इसके लिए वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक केमिकल है, इमिडाक्लोप्रिड जो देखो आपको शो ऑफ हो रहा है, मैं शो कर रहा हूँ आपको इमिडाक्लोप्रिड, ये जो केमिकल है इसको 5 ml क्वांटिटी लेनी है और 15 लीटर वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और उस सॉल्यूशन को क्या करना है, फार्म के अंदर क्या करना है, स्प्रेड करना, जिससे क्या हो जाएगा जो वाइट फ्लाइज है उस वाइट फ्लाइज के एग्स हैं और वाइट फ्लाई वो दोनों क्या होते हैं, उससे डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर जो इसके वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए डाईमिथोएट या मिथाइल डिमेटोन, डाईमिथोएट या मिथाइल डिमेटोन कितना,
1 ml पर लीटर वाटर में सॉल्यूशन करके 10-15 डेज पर रिपीटली क्या करना है, इसको स्प्रेड करना है, जिससे इसका वायरस डिस्ट्रॉय होता है। तो ये था इसका केमिकल मैनेजमेंट। अब करते हैं इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए बेसिकली बायोलॉजिकल केमिकल यूज़ करते हैं, लाइक इट, जैसे नीम ऑयल हो गया या नीम फ्रूट हो गया, इनको यूज़ करना है। और इनको 2% से लेकर 5% जो कंसंट्रेशन रेट है उस पर इसको यूज़ करना है, जिससे ईजीली वाइट फ्लाई को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और रिसेंट क्रॉप है लाइक इट, प्रभनी क्रांति, अर्का अभय, पंजाब सेवन, पंजाब पद्मिनी, ये वो क्रॉप्स हैं जो रिसेंट हैं इस डिज़ीज़ के लिए। तो उनको अगर यूज़ करें तो ईजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसी के साथ अपना येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा कंप्लीट होता है। तो आज हमने 2 डिजीज़ हमने कंप्लीट कर ली, एक कॉटन ब्लाइट कर ली और एक ओकरा की डिजीज़ हमने कंप्लीट की है। तो इसके नोट्स ऑलरेडी मैं आपको सबमिट कर चुका हूँ, नोट्स आपको यहाँ शो ऑफ भी हो रहे हैं। डिजीज़ का डायग्राम मैंने आपको मेंशन कर दिया, आपको मैंने इसके पैथोजन उसका डायग्राम भी बीच में आपको शो किया है। तो ये अपना एक डिजीज़ फैक्टर था, डिजीज़ था जो हमने देखा। अब हम करेंगे नेक्स्ट डिजीज़ नेक्स्ट क्लास में।